पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने को लेकर निरंतर प्रयास कर रहा है और वहीं विद्युत बिल बकाया जमा करने को लेकर भी अपने उपभोक्ताओं से लगातार अपील कर रहा है। साथ ही बिजली चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर विद्युत विभाग की टीम द्वारा मैनाठेर थाना क्षेत्र में कई गांवों में अभियान चलाया गया, जिसमें बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। चलाए गए इस चेकिंग अभियान में लगभग 2 दर्जन लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज कराई गई। इस टीम में मुख्य रूप से जय लुकेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार, जय वीरेंद्र कुमार, जय संतोष कुमार, जय अनिल कुमार, जय प्रदीप कुमार, जय संदीप सिंह, जय अरविंद कुमार, SGO बिलारी, विश्वजीत कुमार, SGO RK गुप्ता, लुकेंद्र सिंह आदि भी मौजूद रहे। चेकिंग टीम की अगुवाई कर रहे SGO मजोला RK गुप्ता से जब इस संबंध में बात की गई, तब उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं के साथ है और बेहतर बिजली देने के लिए कटिबद्ध है। जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं, हम ऐसे लोगों को समझा रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार सब सरचार्जों के छूट दे रही है, लोगों को सरकार की इस योजना से फायदा भी उठाना चाहिए। गुप्ता जी, आज किस जगह अभियान चला गया था, कौन सा अभियान था आपका? आज तारपुर डेंगरपुर में अभियान चला गया था, बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। उस अभियान में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। सर, लमसम कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? सर, लगभग 18 से 20 लोग पकड़े गए हैं बिजली चोरी करते हुए, और उनमें कुछ वाणिज्यिक भी पकड़े गए हैं और घरेलू भी पकड़े गए हैं। तो सर, ऐसे उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग अभी तक बिल जमा नहीं कर पाए? ऐसे उपभोक्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम चला रखी है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत इस मुरादाबाद में पिछले दिन इतने कनेक्शन दिए गए कि हर घर घर तक पहुँच के कनेक्शन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी देखने में आ रहा है कि लोग बिजली चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। मेरी अपील है कि सरकार जब इतनी सुविधाएं दे रही है तो बिजली चोरी छोड़ के और मुख्य धारा में शामिल हो और अच्छी सप्लाई गाँव में 18 घंटे और शहर में उद्योगों को 20 घंटे 24 घंटे देने के लिए सरकार की जो कोशिश है उसे कामयाब बनाए।